गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th चैप्टर 3rd. सम रिमेनिंग टॉपिक्स आर हियर वी डिस्कस. आई एक्सप्लेन यू अबाउट ब्रायोफाइट्स एंड हियर लिवर रॉड्स आर द टू फॉर्म्स. ब्रायोफाइट्स आर क्लासिफाइड इन टू टू. फर्स्ट इज द लिवर रॉड्स. द लिवर रॉड्स यूजली ग्रो इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स. तो यहाँ पे जो है हम लिवर रॉड्स के बारे में, जो कि ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट्स हैं, ब्रायोफाइट्स लिवर रॉड्स और इसके जो है कि मॉसेस में डिवाइड किया गया था ब्रायोफाइट्स को दो में. तो लिवर रॉड जो है पहला उसका पार्ट्स है. तो ये जो होता है स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल में कहाँ कहाँ ग्रो करता है उसके बारे में है. आप एकदम क्लियरली इसको देख सकते हैं. और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो मार्केंसिया है. मार्केंसिया एकदम क्लियर कर लीजिएगा. मार्केंसिया इसको पढ़ते हैं. दिस टर्म इज द मार्केंसिया. और ये मार्केंसिया जो है लिवर रॉड्स के नाम से जाना जाता है. थैलवाड, इसकी बॉडी जो है थैलस के आकार की होती है. थैलस मीन्स इसकी बॉडी जो है कि रूट्स और शूट्स में और स्टेम्स जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं. द थैलस इज डार्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अपीयर्स टू द सबस्ट्रेट. और जो थैलस होता है वो अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ था. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीव्स लाइक एपेंडिजेज इन टू रॉड्स एंड द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. लीफी मेंबर्स होते हैं लेकिन पूरा क्लियरली लीफ नहीं होता. लीफ की तरह से संरचना पाई जाएगी लेकिन छोटी होती है. और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में जो है अटैच होते हैं. अब आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लीवर रॉड्स में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन. किसके द्वारा होता है? फ्रैगमेंटेशन के द्वारा. और जो होता है कि थैलाई के फॉर्म में बाय द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिमी. और जो जिमी होती है ये स्ट्रक्चर्स होता है, जिमी लाइक संरचना होती है जिसके द्वारा जो है कि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है इसमें लीवर रॉड्स में. और जिमी का जो सिंगुलर होता है वो जीमा भी पढ़ते हैं. जिमी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रेस्पिरेटरी कॉल जीमा कप्स. और जिमी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. ग्रीन इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं और ये कली के फॉर्म में होता है. ये कहाँ जिमी आर्स ग्रीन मल्टी सेलुलर डेवलप स्मॉल रेस्पेक्टिव कीमा कप्स. और इसमें रेस्पेक्टिकल्स जब आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? गेमा कप्स बोलते हैं. और ये थैलाई के फॉर्म में लोकेट होता है. गीमा बिकम डेटर्स फ्रॉम पैरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. और यही जो गीमी कप होता है तो उसमें से ये डी अटैच हो जाता है. डी अटैच का मतलब उसके पार्ट से ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, यानी कि नया थैलस उससे प्रिपेयर हो जाता है. तो ये हो गया एसेक्सुअल के बारे में. तो एसेक्सुअल में हमने देखा कि लीवर रॉड्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है. थैलाई जो होता है वो क्या बनाता है? गीमी कप्स बनाता है. और ये गीमा कप जो होते हैं वो जब डी अटैच हो जाते हैं, पेरेंट्स बॉडी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं या पेरेंट बॉडी से हट जाते हैं, तो वो फिर एक नया इंडिविजुअल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरीके से जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा. नाउ वी कम ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों होता है. और इसके बारे में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं वो प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम ऑन डिफरेंट थैलाई. और मेल और फीमेल जो होते हैं या तो सेम थैलस पे होंगे या अलग अलग थैलस पे होंगे.
द स्पोरोफाइट्स आर डिफरेंशिएटेड इन फूड सिटी एंड कैप्सूल, उसमें क्या होता है, फूड भी होता है, फूड मीन्स यानी कि जिससे वो जुड़ा होता है उसको खोला गया है, सीटा होता है वो हम लोग फिगर में देखेंगे, इसके बाद कैप्सूल होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रेज विथ इन द कैप्सूल, और मियोसिस के बाद जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो होते हैं स्पोर्स के द्वारा ही ये किसका फॉर्मेशन करता है, गैमेटोफाइट का। नाउ वी कम ऑन द मॉसेस, मॉसेस इज द आल्सो पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, मॉसेस भी जो है ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो मॉसेस में हम देखते हैं कि ये प्रोमिनेंट जो इनकी लाइफ साइकिल में होती है वो गैमेटोफाइट यानी गैमेट्स से ही ये बनते हैं। तो इसमें दो स्टेज होता है, पहला स्टेज जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटोनीमा स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो कौन सा स्टेज होता है, प्रोटोनीमा का स्टेज है। प्रोटोनीमा आपको एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि जो फर्स्ट स्टेज है वो किसका है, प्रोटोनीमा का, और जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज होता है। इसमें यानी कि पत्तियों की तरह से संरचना सेकेंड स्टेज में आती है। तो प्रोटोनीमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, और ये किससे बनता है, तो डायरेक्टली स्पोर्स से इसका निर्माण होता है। क्रीपिंग मतलब रेंगने की तरह से इसकी संरचना होती है। ग्रीन ब्रांच होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होती है लीफी से, इज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बर्ड्स, और ये प्रोटोनीमा से ही लीफी स्टेज जो है डेवलप होता है। लेकिन ये सेकेंड स्टेज जो होता है वो किससे का, प्रोटोनीमा का होता है, प्रोटोनीमा में बर्ड्स का होता है। दे कंसिस्ट ऑफ राइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरल अरेंज लिप्स, कैसे होते हैं, अपराइट यानी कि सीधे होंगे, सिलेंडर की तरह से एक्सिस होता है उनका, और स्पायरल अरेंजमेंट जो लीव्स होता है वो स्पायरली अरेंज होती हैं, और अटैच टू द थ्रू मल्टी सेलर प्लांट्स डायसोहाइड्स, इसमें वो जड़ नहीं होता यानी रूट्स नहीं होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, राइजोइड से जुड़े होते हैं, जो होता है कि किससे जुड़े होते हैं, राइजोइड्स, यहाँ पे राइजोइड्स लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और ये राइजोइड्स जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स इसमें होते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मॉसेस में जो है फ्रेगमेंटेशन होता है और फिर बूटिंग होता है, इसके द्वारा जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ये होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्कोगिनिया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें एंथ्रीडिया होता है और आर्किगोनिया होता है। तो ये सेक्स जो है उसमें मदद करता है। तो इस तरीके से हम लीफी सूट देखते हैं, आर्किगोनिया प्रोड्यूस द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद जब आर्किगोनिया और जो है एंथ्रीडिया में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद जो है स्पोरोफाइट्स बनते हैं यानी स्पोर्स बन जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ फूड सिटी एंड कैप्सूल, इसमें भी फूड होगा, सिटी होगा, कैप्सूल होगा। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबरेट देन द इन लिवर रॉड्स, और स्पोरोफाइट की जो अवस्था होती है वो इसमें एलेबरेट होती है यानी ज़्यादा समय के लिए होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, और कैप्सूल में ही स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस उसमें होता है, मियोसिस के बाद जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका जो है कि देखा मॉसेस के बारे में और लिवर रॉड्स के बारे में, जो कि किसका पार्ट्स है, टेडोफाइट्स का ही, सॉरी ब्रायोफाइट्स का पार्ट है, और इसके एग्जांपल जो होते हैं ये फ्यूनेरिया है और पॉलीट्राइकम है, सेफागनम है। तो इसके एग्जांपल क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और सेफागनम। तो नाउ वी स्टार्ट टुडे ऑन टेडोफाइट्स, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।